आज श्रावणी पूर्णिमा है, रक्षाबंधन का दिवस। भाई बहन के मधुर संबंध को पुष्टि देने वाला यह उत्सव होता है। यदा कदा मैं सुनता हूं कन्या भ्रूण हत्या की बात। एक और तो भाई बहन के रिश्ते की बात है, स्नेह की बात है, और कहीं कहीं यह कन्या भ्रूण हत्या की बात भी करुणातिथि बनती है। तो समाज में यह चेतना भी जागनी चाहिए कि इस प्रकार किसी कन्या भ्रूण का वध न किया जाए। और चेतना जाग भी रही है, हम लोग भी यत्किंचित प्रयास कर रहे हैं, जनता में इस बात का संदेश फैला रहे हैं कि ऐसा हत्या का घिनौना कृत्य समाज में नहीं चलना चाहिए। मेरे सामने मुख्यतया स्वयं सेवक बंधु बैठे हैं और मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की व्यवस्था से प्रभावित भी हुआ हूं कि सुंदर व्यवस्था चलती है, अनुशासनबद्धता है और अच्छे देशभक्ति के संस्कार भी दिए जाते हैं। शाखा बौद्धिक वर्ग एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा कार्यकर्ताओं में अच्छे संस्कार भरे जा सकते हैं, शक्ति का संप्रेषण किया जा सकता है। स्वयंसेवक यानी कार्यकर्ता, कार्यकर्ता की प्रथम कसौटी है सेवा भावना। यो मैं संस्कृत भाषा की दृष्टि से बताऊं तो कार्यकर्ता यानी कार्यम करोतीति कार्यकर्ता, जो कार्य करता है वह कार्य करता होता है। परंतु कार्य तो कौन नहीं करता, अपने लिए कौन काम नहीं करता, अपने लिए काम करने वाला कार्यकर्ता नहीं होता। यह परार्थम कार्यम करोति स कार्यकर्ता, जो दूसरों के लिए काम करता है वह कार्यकर्ता होता है। यानी सेवा की भावना जिसमें होती है, दूसरों पर उपकार करने की भावना होती है, जरूरतमंदों की सेवा करने की भावना होती है और कार्यकर्ता भी है, वह व्यक्ति कार्यकर्ता संज्ञा के अर्ह बन जाता है। कार्यकर्ता के लिए अपेक्षित है सहिष्णुता का भाव, कि वह सहन कर सके। सेवा करते करते कठिनाइयां भी आ सकती हैं, उन कठिनाइयों को भी झेल सके। संस्कृत वाङ्मय का एक श्लोक है, क्वचिद् भूमौ शय्या क्वचिदपि च पर्यङ्क शयनम्, क्वचित् शाकाहारः क्वचिदपि च शाल्योदन रुचिः, क्वचित् कंठाधारी क्वचिदपि च माल्यांबर धरो, मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुःखम् न च सुखम्। एक स्वयं सेवक या कार्यकर्ता, कहीं उसे सोने के लिए धरती मिलती है तो वहां भी प्रसन्नता से वह सो जाता है, और कहीं बढ़िया पलंग भी मिल जाता है वहां भी सहज भाव, कहीं खाने को बढ़िया पकवान ने मिष्टान्न मिल जाए और कहीं ठीक भोजन न भी मिले, कभी भूखा भी रहना पड़े तो वहां भी समभाव, कहीं बहुत सम्मान मिल जाए, माल्यार्पण हो, शालार्पण हो, साहित्यार्पण हो, सम्मान मिलता है
और कहीं अपमान भरी गालियां भी सुनने को मिल सकती हैं। इन सब बातों को गौण करके केवल सेवा करना जिसका लक्ष्य रहता है तो वह व्यक्ति सेवा कार्य में आगे बढ़ सकता है। एक कार्यकर्ता में शालीनता होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए, उद्दंडता का भाव उसमें नहीं आना चाहिए। तो सहिष्णुता, विनम्रता और तीसरी बात है कि कार्यकर्ता में निर्भीकता होनी चाहिए, भयभीत उसे नहीं होना चाहिए। डर की क्या बात पथिक काली रातों में, डर की क्या बात पथिक काली रातों में, पथ में उजियाला होगा लो दीपक हाथों में। दुनिया के दीपक धोखा दे सकते हैं, दुनिया के दीपक धोखा दे सकते हैं, साहस का दीपक जलता झंझावातों में, साहस का दीपक जलता झंझावातों में। तो भीतर में साहस का दीपक प्रज्वलित हो जाए फिर डरने की अपेक्षा नहीं रहती। सरसंग चालक महोदय ने खरगोश की बात बताई, खरगोश के भीतर वह साहस का दीपक जल जाता तो उसे न हाथी बनने की अपेक्षा होती, न शेर बनने की अपेक्षा होती, एक साहस का दीपक जल जाए इतनी सी अपेक्षा थी। तो कार्यकर्ता में निर्भीकता भी होनी चाहिए, वह डरे नहीं, निर्भीकता से काम करे। चौथी बात है कि दक्षता का विकास होना चाहिए। कार्य करने वाले में कार्य को कितने सुंदर तरीके से किया जा सके इस दक्षता का विकास भी होना चाहिए। और पांचवी बात है कार्यकर्ता में नैतिकता के प्रति निष्ठा होनी चाहिए कि मैं नैतिकता के प्रति आस्थावान रहूं। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन का प्रवर्तन किया और उन्होंने नैतिकता की बात जन जन को बताने का प्रयास किया और पद यात्राएं करते करते कहां पंजाब और कहां कन्याकुमारी के पद यात्राओं के द्वारा पधारे, कलकत्ता पद यात्रा से पधारे, वापिस पधारे। तो जनता में नैतिकता और संयम का विकास हो ऐसा उन्होंने अपनी ओर से प्रयास किया था। तो कार्यकर्ता केवल नाम का ही न रहे, उसमें गुणात्मकता का विकास होना चाहिए। और गुणात्मकता का विकास होता है तो कोई व्यक्ति अच्छा कार्यकर्ता बन सकता है। गुरुदेव तुलसी ने कहा, सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। व्यक्ति व्यक्ति अच्छा बन जाए तो समाज अच्छा बन जाएगा और समाज अच्छा बन जाएगा तो राष्ट्र अच्छा बन जाएगा। राष्ट्र राष्ट्र अच्छे बन जाएंगे तो पूरा विश्व भी अच्छा बन सकेगा। अपेक्षा इस बात की है कि आदमी के कदम सही दिशा में चले और उसके भीतर एक अनुकंपा की चेतना का विकास हो। आचार्य भिक्षु जो तेरा पंथ धर्म संघ के संस्थापक आचार्य थे, उन्होंने अनुकंपा की बात कही। एक अनुकंपा वह होती है किसी के जीवन को सुधारना, यानी किसी के भीतर गुणों का संचार करना, ईमानदारी आदि संस्कारों का भरना, यह प्रयास करना लोकोत्तर अनुकंपा है। और एक देह संबंधी अनुकंपा, भूखे को रोटी देना आदि आदि दैहिक अनुकंपा, लौकिक अनुकंपा होती है। समाज में लौकिक अनुकंपा की भी बड़ी अपेक्षा होती है। एक बार की कोई बात, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई थी और अनेक अनेक लोग आपदा से घिर गए थे। जैसे बाढ़ कभी कभी बाढ़ आ जाती है, अकाल का समय भी आ जाता है, तो काफी लोग आपदा ग्रस्त हो गए थे। उनके लिए भोजन की भी समस्या थी। कुछ कार्यकर्ता मिले और वे सेवा करने में तत्पर रहने वाले थे कि हम लोग भोजन तैयार करके
उन लोगों तक पहुंचाई जो आपदाग्रस्त हैं और जहां कोई भोजन की व्यवस्था नहीं है। कार्यकर्ताओं ने सोचा कि सूखड़ी, सूखड़ी एक प्रकार का खाद्य पदार्थ है, वो तैयार कर लें, वो आराम से सबको पहुंचाया जा सकेगा। तो वो सूखड़ी तैयार कर रहे थे, भोजन बन रहा था, एक कोई भिखारिन वहां बार बार आ रही थी। कार्यकर्ता बोले, देखो बहन, ये सारा भोजन आज आपदा पीड़ितों के लिए है, तुम्हें आज इसमें से कुछ नहीं मिलेगा। उस भिखारी ने जो जवाब दिया बड़ा मार्मिक था, उसने कहा कि मैं भोजन लेने नहीं आई हूं, मैं तो आपको यह कहने आई हूं कि आज मुझे भीख में जो आटा मिला है वह भी आप ले लीजिए, उसकी भी सूखड़ी बना लीजिए, मुझे खुशी होगी कि मेरा आटा आपदा पीड़ितों के भोजन में काम आ जाएगा। एक भिखारिन में भी कितनी उदात्त भावना। तो यह भी एक लौकिक अनुकंपा है कि मेरे से जो ज्यादा कष्ट में है उनकी अपेक्षा की पूर्ति पहले होनी चाहिए, जो मेरे से ज्यादा कष्ट में है। तो यह परोपकार की भावना होती है, वहां कार्यकर्ता का कार्यकर्तृत्व निखार को प्राप्त हो जाता है। आदमी बड़े हित पर ध्यान दे, बड़े हित के लिए छोटे को गौण भी कर देना चाहिए। संस्कृत वाङ्मय में कहा गया, त्यजे देकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत्, ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थं पृथ्वीं त्यजेत्। जहां कुल का हित सामने हो वहां व्यक्तिगत हित को गौण कर देना चाहिए, और जहां गांव का हित हो वहां कुल के हित को गौण कर देना चाहिए, जहां राष्ट्र के हित का प्रश्न हो वहां गांव के हित को भी गौण कर देना चाहिए, और जो अध्यात्म की साधना में चले तो आत्मा के हित के लिए वह सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाए। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी एक बार, सन 2002 की बात है, अहमदाबाद कोबा उस एरिया में विराजमान थे, उधर एक संस्था है प्रेक्षा विश्व भारती, वहां प्रवास कर रहे थे। तो वहां तत्कालीन राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम आ गए गुरुदेव से मिलने के लिए। बातें चली तो गुरुदेव महाप्रज्ञ जी ने कहा कि राष्ट्रपति जी, हमारे गुरुदेव तुलसी कहा करते थे कि संप्रदाय नंबर 2 है, धर्म नंबर 1 पर है। उसी प्रकार मैं यह कहना चाहूंगा कि राष्ट्र नंबर 1 है, पार्टियां नंबर 2 है। राष्ट्र का हित पहले है, पार्टी का हित नंबर 2 पर होता है। अब्दुल कलाम जी झूम उठे कि बड़ी सुंदर बात आपने कही, यह बात आप औरों नेताओं को बताइए कि दल और पार्टियां नंबर 2 पर है, नंबर 1 पर हमारे सामने भारत है, हिंदुस्तान है, राष्ट्र है। जहां राष्ट्र पहले होता है वहां राष्ट्र के हितों के लिए कुछ किया जा सकता है, और जहां राष्ट्र या राष्ट्रीयता गौण हो जाती है और केवल मैं मेरी पार्टी यही मुख्य हो जाता है, वहां फिर राष्ट्र हितों का जो लक्ष्य है वह कुछ धूमिल हो सकता है। तो राष्ट्रीयता भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण चीज होती है कि व्यक्ति में स्वार्थीपन कितना है और राष्ट्रीयता की चेतना कितनी है। स्वयं सेवक गण जो यो मानो की सेवा के लिए अर्पित होते हैं, या सेवा जिनका लक्ष्य होता है, वे अपने आप में दक्षता का, गुणवत्ता का विकास करें, और गुणवत्ता दक्षता का विकास होने से वे और ज्यादा सेवा करने में, कार्य करने में सक्षम हो सकेंगे।